गुरुवार कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कल आपने दूसरे अध्याय की कथा श्रवण की, आज पुनः आपको हम तीसरे अध्याय की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी मानव भक्त भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के चरणों में वंदन करते हुए कथा का श्रवण करें। कथा है जैसे गंगा के स्नान करने से आदमी पवित्र होता है, वैसे ही कथा श्रवण करने से पवित्र होता है। गंगा के स्नान करने से तन पवित्र होता है और कथा श्रवण करने से मन पवित्र होता है। इसलिए हम एक चित्त धारण होकर और भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। आज पुनः तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नर सखा प्रभु नारायण ने जो कथा नारद को सुनाई थी, आप उस कथा को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वो कथा सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी महाराज और कथा श्रवण करा रहे हैं। नारायण ने कहा था कि हे नारद सुनो, श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठर जो भी कहा वे इस प्रकार मैं आपको श्रवण कराता हूं। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठर से कहा जो हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। क्या कहा? देखिए व्रत है, आज हम और आप सब व्रत करते हैं, पर व्रत का कुछ उद्देश्य रहता है। व्रत का उद्देश्य रहता है कि हम व्रत करने पर किसी भी देवता को आराध्य देव मानते हैं। जैसे हनुमान जी को मानने वाले हनुमान जी की आराधना करते हैं, राम को मानने वाले राम की आराधना करते हैं, जगदम्बा भवानी को मानने वाले माँ अम्बे की आराधना करते हैं, और कृष्ण को मानने वाले कृष्ण की आराधना करते हैं, और शिव को मानने वाले शिव की आराधना करते हैं। उसी प्रकार व्रत करने से हमारे लिए क्या होता है? व्रत करने से मन की शुद्धि होती है,
और जब हमारा मन शुद्ध होता है तब हमारा जीवन भगवान के प्रति आगे बढ़ता है। देखिए, छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को हम शुरू से ही उनको भक्ति मार्ग में डालेंगे तो भक्ति करेगा, जैसे हम उनको बोली सिखाएंगे वैसे बोलेंगे। ऐसे ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग पर जाने वाला चला तो जाता है कथाओं में, पूजाओं में, मंदिरों में, परंतु महाराज जब वो आगे जाके भटक जाता है, क्यों कि उसको एक विश्वास नहीं है, कभी राम के मंदिर में, कभी कृष्ण के मंदिर में, कभी अंबा के मंदिर में। अब चले जाने पर ठीक है, परंतु आदमी को एक ही को पकड़कर रखना चाहिए। ये कथा हमको वो दर्शाती है, जैसे राजा युधिष्ठिर की कथा आती है, व्रत किया था किसने, द्रौपदी ने। अब द्रौपदी ने व्रत किया तो उन्होंने उनका आराध्य देव माना था किसको, भगवान शिव को। पर शिव के बारे में भी यहां बहुत बड़ा रामायण में कहा है भगवान श्री राम ने, शिव मम द्रोही दास कहावा, ये नर मोही सपने महु भावा, ये नर मोही सपने महु भावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हो भले मेरी पूजा मत करो, पर भगवान श्री महामृत्युंजय की आप पूजा करोगे तो वो मनुष्य मेरे लिए अति प्रिय लगता है। पर यहां द्रौपदी ने, ये पूर्व जन्म की कथा है, द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी और वो भगवान शिव की आराधना करती थी। दूसरे जन्म में इसका जन्म कैसे हुआ ये ध्यान पूर्वक सुने। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रौपदी की कन्या के यहां उनका जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें पांचाली भी कहते हैं। राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का कुरु वंश के नाश के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। आओ जानते हैं द्रौपदी के जीवन से जुड़ी कथाओं के बारे में। महाराज के आदि पर्व में द्रौपदी का जन्म की कथा व्यास जी ने बहुत ही सुंदर और अच्छे उसमें वर्णन की है। द्रौपदी पिछले जन्म की कहानी सुनाने में कहते हैं कि यह अनेक पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी, अपने कर्मों के फल स्वरूप इसे कोई अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं करता था। द्रौपदी को कोई पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता था। तब द्रौपदी ने और भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। तपस्या करके भगवान जी प्रसन्न हुए और भोलेनाथ कहने लगे, आप वर मांगिए, आप वर मांगिए।
तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुणपति चाहती हूँ प्रभु, सर्वगुणपति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे पांच भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। बोलवार कृष्ण भगवान की जय। कन्या बोली, महाराज मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ, कहाँ आपने पांच पांच पतियों का वरदान दे दिया, मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज दूसरे जन्म में तुम्हें पांच ही पति प्राप्त होंगे। जब महाराज महाभारत के इतर एक अन्य कथा के अनुसार दूसरी भी कथा है, द्रौपदी के पांच पति थे लेकिन वो अधिक 14 पत्नियों की पत्नी भी बन सकती थी। इनका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छुपा हुआ था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। मूलवाल कृष्ण भगवान की जय। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से कड़ी तपस्या की और भगवान शिव ने जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नली ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुण वाला पति मिले। महाराज नली ने और 14 गुण वाला पति, ये असंभव था, परंतु जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के मार्ग पर चलता है और भगवान की आराधना करता है, भगवान उनकी इच्छा हर वक्त पूरी करते हैं। यद्यपि भगवान शिव नलिनी की तपस्या से प्रसन्न थे और उन्हें समझाया कि इन 14 गुणों का एक ही व्यक्ति में होना असंभव है, कि हे पुत्री आपने 14 गुण वाले पति मांगा परंतु एक आदमी में इतने गुण कभी नहीं होते। किंतु जब नलिनी ने अपनी जिद पर अड़ रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया कि पुत्री जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें अधिकतम 14 पतियों का होना और प्रतिदिन स्नान के बाद उन्हें कुमारी होना भी शामिल था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे कन्या मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ तुम्हारे लिए 14 गुण वाले पति प्राप्त होंगे और पुनः स्नान करके आपने व्रत होंगी तो आप कुमारी की संज्ञा में आएंगी। इस प्रकार द्रौपदी भी पंच कन्याओं में शामिल है। बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज आगे जाके द्रौपदी राजा ने एक महास्वयंवर रचा और महास्वयंवर में नकुल, भीम, युधिष्ठर, अर्जुन ये सब वहां वो स्वयंवर में पहुंचे और पहुंचने के पश्चात सभी राजाओं को एक लक्ष्य रखा था द्रौपदी राजा ने कि जो भी इस मछली की आंख का निशाना लगा देगा उसके साथ में मैं मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर दूंगा। बोलवाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज अनेकों राजा वहां पधारे पर कोई भी राजा ऐसा समर्थ नहीं था कि ऊपर टंगी हुई मछली को
और नीचे कड़ाहों में देखकर निशाना लगा सके। राजा द्रौपद विचार में पड़ने लगा कि हे प्रभु परमात्मा, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मेरे प्रण का पूरा हो गया या नहीं होगा, मैंने व्यर्थ ही प्रण ले लिया, व्रत ले लिया कि ऐसा पुरुष होगा जो ये मछली की आंख का भेदन करेगा। प्रभु परमात्मा की कृपा से महाराज धनुर्धर कर्ण भी आया था पर वो भी निशाना नहीं लगा सका। फिर पांडव पुत्र अर्जुन और अपना धनुष बाण लेकर और कढ़ाई में नीचे देख के और मछली की आंख का भेदन कर दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वहां जाकर और द्रौपदी का वो प्रण पूरा हुआ जो शंकर भगवान ने बताया था कि हे द्रौपदी, तेरे 5 पति होंगे और तुम स्नान के बाद में कुंवारी की संज्ञा में होंगी। वो 5 पति थे कौन? भीम, जैसे ही अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठर जब द्रौपदी को स्वयंवर में से लेकर आए तब उनकी माता कुंती से कहे, माँ हम कुछ लाए हैं। तब माँ कुंती ने कहा, शादी तो एक के साथ में हुई, किसके? अर्जुन के साथ में। परंतु कुंती ने कहा कि हे पुत्रो, तुम 5 भाई आपस में मिल बांट के और खा लो, रख लो। तब महाराज द्रौपदी के 5 पति हुए। 5 पतियों में वो 14 गुण से संपन्न थे। भीम था, उसमें 1000 हाथियों का बल था, शक्ति थी। अर्जुन एक अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे। सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी थे, सहदेव के पास में इतना ज्ञान था कि पूछो मत। महाराज नकुल कामदेव की तरह सुंदर और स्वभावमान थे। ऐसे ये कथा और भगवान श्री नारद जी ने और ऋषियों को सुनाई, हे ऋषिगणों ये द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा है। इसके बाद में तब विवाह करके आगे वो हस्तिनापुर में आराम से रहने लगे। परंतु महाराज हर एक परिवार में कलह होता है, किसी की सुंदरता, किसी की प्रशंसा या किसी की प्रगति किसी को अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही धृष्टराष्ट्र पुत्र दुर्योधन द्रौपदी का अपमान किया, और अपमान भी कैसा? द्रुत कीड़ा। देखिए कभी किसी को द्रुत कीड़ा में जाना अच्छा नहीं है, खराब जगह जाना अच्छा नहीं है। भगवान हमारे साथ कब तक रहते हैं? तब तक हम अच्छे काम करेंगे, और तब हम बुराई के रास्ते पर जाएंगे तब भगवान हमारे साथ में नहीं रहते। ऐसे ही मामा शकुनी ने और पांडवों की प्रगति देखकर और इनको द्रुत कीड़ा के लिए आमंत्रण किया, और मामा शकुनी ने कहा इनके पास से सब कुछ छीन लिया जाए। तब दुर्योधन ने कहा ठीक है मामा श्री। तो दुर्योधन ने इन 5 पांडवों को बुलाया और कृष्ण के बारे में कहा कृष्ण नहीं आना चाहिए। तो पांडवों ने उनके भाई की बात मानकर और कृष्ण से कह दिया, कृष्ण आप यहीं रहो, हम हस्तिनापुर जाते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तब महाराज द्रुत कीड़ा में और दुर्योधन ने पांडवों को हरा दिया, और हरा कर पांडवों से अपना सब राज्य पाठ सब छीन लिया था। छीनने के बाद में उनके पास में कुछ भी नहीं बचा,
फिर दुर्योधन कहने लगा, तुम्हारे पास में क्या है? अब क्या तुम द्रौपदी को दांव पर लगाओगे? तब महाराज पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, उसको भी हार गए। तब दुर्योधन हंस के बोला कि अब ये द्रौपदी मेरी हो गई। द्रौपदी के केस पकड़कर और क्रूर दुर्योधन भरी सभा में ले आए और सभा में द्रौपदी विलाप करने लगी, हे स्वामी, हे पतिदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, पर कोई दुष्ट दुर्योधन से और द्रौपदी की रक्षा नहीं कर रहा करा रहा। तब महाराज भीष्म पिता बैठे थे, भीष्म पिता से कहा, भीष्म पिता मैं आपकी कुल बधू हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। भीष्म पिता भी नीचा सर करके और देखने लगे। द्रोणाचार्य अनेकों राजाओं से विनती की, पर कोई नहीं आया। फिर महाराज द्रौपदी के वस्त्र दुशासन खींचने लगा और द्रौपदी अब किसको याद कर। देखिए, जब कोई हमारा साथी संगी मित्र या बांधव जब हमारा साथ नहीं देता है तो हम किसकी शरण में जाते हैं? प्रभु परमात्मा की शरण में। द्रौपदी और परमात्मा श्री द्वारकाधीश को याद करने लगी कि हे प्रभु, आज मेरी लाज जा रही है, आज मेरी लाज बचाइए। भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि मेरी सखा की लाज जा रही है, द्रौपदी की लाज जा रही है। तो भगवान ने तुरंत ही और एक चीर बढ़ा दिया, दुशासन वंश कठोर, लाज नहीं आई। हे दुष्ट दुशासन, तू एक अबला का, एक नारी का अपमान कर रहा है, तुझे लाज नहीं आई? आज मैं ये द्रौपदी का रक्षक बन के खड़ा हूँ, तेरी भुजाओं में कितना बल है जो आज अजमा ले। महाराज वो साड़ी के एक साड़ी नहीं, साड़ी में के नारी है कि नारी में के साड़ी है। महाराज इतने साड़ी के अंबार बढ़ गए कि दुशासन थक गया और बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। दुशासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया। तब भगवान ने और द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसी कथा और नारायण ने नारद को सुनाई कि हे नारायण, नारद जी, मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। जिसने द्रौपदी ने मात्र शिव जी का पूजन किया और भगवान पुरुषोत्तम का पूजन नहीं किया, इसकी वजह से उनको ये दुख भोगना पड़ा। जो मनुष्य भगवान श्री पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज तृतीय दिन की कथा संपूर्ण।